Hello viewers, welcome to our channel BAKBAK TV. Please watch videos, like, comment, share and subscribe our channel. तो ये बोलता है करैक्टर उसको कि अच्छा लगता है, तारीफ किया करा करो, तारीफ सुनने में अच्छा लगता है. तो पता नहीं अब क्या क्या किया सर, हमें खुद भी अब याद नहीं है, पर हमें इंतजार है जब फिल्म आएगी तो सब साथ में देखेंगे. हाय, थैंक यू. कैन यू हियर मी? डांस पे मैंने बोला अपना टाइम आएगा एंड वहां पर लाफ्टर हुई. इंस्टिंक्टिवली जो हुआ उससे जो रिएक्शन आता है ना, दैट हैज वर्क्ड फॉर मी, फॉर माय वॉइस. कपिल जी, या इधर दिस साइड. मेरा ओपिनियन से है कि ये करते हुए आपने पहली बार किया है, तो कितना मुश्किल, कहाँ पे आई, कितना कठिन लगा, कहाँ पे, आप तीनों बताइए कहाँ. डबिंग तो एक्चुअली पहले भी हम लोगों ने बहुत बार की है, पर हाँ किसी अपने अलावा छोड़ के किसी और करेक्टर के लिए करना तो एक मजेदार एक्सपीरियंस था. मुझे तो मजा आया करके. बाकी मैं हमेशा बहुत कतराती हूँ डबिंग करने से, क्योंकि आपने ऑलरेडी परफॉर्मेंस अपनी दे दी है फिल्म में, आपने बहुत मेहनत करके और फिर उसी उन्हीं डायलॉग्स को दोहराना इतना पेनफुल होता है ना, कि मैं डबिंग सिर्फ एक एक घंटे के लिए करती हूँ ताकि, और मुझे लगता है मुझे बंद कर दिया डबिंग थिएटर में, अब मुझे आवाज़ देनी अपनी आवाज़. लेकिन इस डबिंग के लिए, इसमें जब वॉइस दी एंग्री बर्ड्स 2 में, तो एक मज़ा आया कि यू आर रिक्रिएटिंग समथिंग, यू आर क्रिएटिंग समथिंग ऑल ओवर अगेन. हमने इन कैरेक्टर्स को एक नया जीवन दिया है हिंदी भाषा में, जिसमें करने में हमें बहुत मजा आया. आई थिंक दैट यू विल आल्सो एग्री दैट हमने रिक्रिएट किए हैं. अब ये जो अंग्रेजी कैरेक्टर्स हैं उनको हमने हिंदी में वापस से जीवित किया है, और हमने उनको हिंदी कैरेक्टर्स को नया जीवन दिया है. सो फॉर मी दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस. हेलो विवेक जी. हेलो, कभी वो आने वाले हैं, पहले से तैयार है. इतनी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं है. तैयारी में मुझे लगता है ये डेस्टिनी आपके लिए अपने आप प्लान करते हैं. तैयारी देखिए, ये भगवान ने मुझे खुद ही ऐसे काम भी ऐसा दे दिया कि जो भी होगा, बेटी होगी, बेटा होगा, जो भी होगा, स्वस्थ हो. हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. और पर जब वो बड़ा होगा या बड़ी होगी बच्चा, तो वो देखेगा जब कि अच्छा मेरे पापा ने ये सब किया है, तो प्राउड फील होगा. क्योंकि सबसे पहले तो वो ऐसे ही फिल्में देखेगा, सीधा तो शोले देखेगा नहीं. तो जब वो बच्चों वाली फिल्में देखेगा तो मैं बताऊंगा उसको कि बॉस दैट्स मी. सबसे पहले ये वाली फिल्म दिखाना उसे, है ना, जब वो ये के अपने एंग्री बर्ड्स. बिल्कुल नहीं, हमारे 1 साल का बच्चा है, वो यही देखता है, इसलिए मुझे लगा कि आपका अभी आने वाला है तो ये वो भी यही देखने वाला है. थैंक यू वेरी मच. नहीं, वो तो प्रोसेस शुरू हो गया ना, बेबी कैन टिप्स. नहीं नहीं, ऐसी कोई टिप्स तो नहीं किसी से ली, पर हाँ मतलब हमने देखा है कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला है. सो मेरा बच्चों से वैसे भी बहुत प्यार रहता है, तो मैं जब अमृतसर में भी रहता था तो मेरे फादर बड़ा बच्चों से प्यार करते थे. हम लोग क्या सब पुलिस वाले थे, कॉलोनी में रहते थे, तो सब पुलिस वाले तो अपनी जॉब पे चले जाते थे, तो बहुत सारे छोटे बच्चे थे हमारी कॉलोनी में. हम लोग ऐसे उनको ले आना, उनको नहला देना, पाउडर डाल देना, बैठे रहना, तो मुझे अच्छे लगते हैं बच्चे, तो अच्छी बात है, अपनी खुद की प्रोडक्शन है. विवेक जी, इधर ये मूवी जैसा, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि यू नो सोनी और कपिल का एक ऐसा रिश्ता है, अगर हम बादाम तो वो पिस्ता है, वैसा कुछ ऐसा. तो अगर ठंडाई बनानी है तो दोनों चीज़ तो लगती हैं. तो आई थिंक द आइडिया वॉज दैट वेन वी हैव वेन वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट कॉमेडी टैलेंट इन द कंट्री, देयर इज नथिंग बेटर दैन द थ्री पीपल हियर ऑन स्टेज एंड हिज टीम. आई थिंक स्पेशली विद द रिलेशनशिप ऑफ यू नो दैट वी हैव, वी फेल्ट दैट इट वॉज एन आइडियल मैच. एंड ऑल्सो आई थिंक दे वर ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड अबाउट द फिल्म एंड द कैरेक्टर्स. सो the marriage of the two in a way that their excitement plus the fit, which was seamless for each of these characters, I think fell into place. And when Kapil came on board, and then when Kiku came on board, and when Archana ji came on board, I think what you see on screen will be magic, definitely, no doubt about that. Hello, Kapil ji, Archana ji or Kiku ji, my question answer, sorry to bother, but the second question which I asked कपिल आपसे, उसका एक आंसर जी. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्या था?
कि कितना इम्प्रोवाइज करते हैं वो सब ना? नहीं, स्क्रिप्ट में आपकी तरफ से कितना योगदान था आवाज और आप लहजा तो आपने पकड़ ही लिया, पर उसमें कितना कुछ चेंजेस थे वो मैं जानना चाहूंगी। देखिए, जैसे अभी कीकू ने भी कहा कि स्टोरी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो सपोज अगर किसी सीन में दो बर्ड्स लड़ रहे हैं तो वो बोल रहा है कि तू ये खराब है वो खराब है, अगर तो ऐसा कुछ है तो हमें पता है कि अच्छा मेन बेस हमें पता है कि यहाँ पे दो बर्ड्स जो है वो लड़ रहे हैं, तो हमें कुछ भी बोलना है गुस्से में, तो वो कुछ तो वहां पे वो कुछ भी चल सकता है, जो भी अगर हम लोग अपना फनी टेक ले लें ऐसा। लेकिन हाँ, वो ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, स्टोरी से बाहर आप नहीं जा सकते हो, और स्पेशली जो हमारे रिकॉर्डिस्ट रहते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं वो इतनी डिटेलिंग में काम करते हैं कि अगर हम जो भी डायलॉग बोल रहे हैं तो इसकी जो चोंच हिल रही है, तो अगर हमारा डायलॉग पहले खत्म हो गया और इसकी चोंच बाद तक हिल रही है, या इसकी चोंच पहले बंद होगी तो हमारी बकबक चल रही है, वो सब नहीं चलने देते हैं। सो बढ़िया बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, और जहां जहां हमें मौका मिला वहां पे हमने इम्प्रोवाइज किया। और लहजा तो मैंने जैसे बताया कि मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रखा है इसमें, पर हाँ वो फ्लेवर आपको मिलेगा। तो जिस वजह से उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आके अपना वॉइस जो है रेड के लिए दूँ, तो वो भी हमारी मंशा जो है वो भी पूरी हुई है। तो छोटे छोटे वन लाइनर्स आपको देखने सुनने को मिलेंगे, सो मजा ही आया ओवरऑल प्रोसेस। जो कपिल ने भी बोला ना कि हमको मैच करनी पड़ती है लिपसिंग, सो द इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन जो इंग्लिश वर्जन है और हिंदी वर्जन ये है कि वहाँ पर जो वॉइस जिन्होंने दी है इंग्लिश में ऑलरेडी उन्होंने वो डायलॉग्स बोल दिए हैं और उनके ऊपर फिर एनिमेशन हुई है, तो जिस हिसाब से उन्होंने बोला है उसी हिसाब से उन्होंने उस चिड़िया की चोंच चिल्लाई है, सो द एक्सप्रेशन हैज कम आफ्टरवर्ड्स। व्हाट वी हैड टू डू वाज कि हमें ऑलरेडी वो चोंच हिल चुकी थी एक पर्टिकुलर जोन में और पर्टिकुलर वे में, और हमको उसे मैच करना था, तो हमें अपना हिंदी हिंदीनाइजेशन करना था, हिंदी के डायलॉग कुछ इम्प्रोवाइज करके, कुछ जो लेखक ने लिखे थे उनको यूज करके, और उस जो लिप का मूवमेंट था वर्ड्स का उनसे मैच करना था, इनके केस में डुक्कर का जो लिप का जो मूवमेंट था वो मैच करना था। तो हमारा चैलेंज ये था दैट वी हैव टू मैच नॉट ओनली द ब्रिलियंस ऑफ द वॉइसेस ऑलरेडी गिवन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बट वी हैव टू मेक इट वन नॉच हायर एज इंडियंस, एज हिंदी स्पीकिंग, टू रीच द हिंदी स्पीकिंग ऑडियंसेस and to adapt it to our Indian. Thank you for watching BAKBAK TV channel. For interviews and events coverage, contact on 989204-6798. Please subscribe BAKBAK TV channel and press bell icon for latest videos.